वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा डे थ्री है मदुरई में। डे थ्री भी है और लास्ट डे भी है। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं मॉर्निंग में, और आज रात को ही हमें निकलना है। सो आज रात हमारी 1 बजे की करीब हमारी जो है ट्रेन है मदुरई टू दिल्ली। सो अभी रेडी हो गए हैं सुबह अर्ली एंड ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। किसी ने सजेस्ट किया था मीनाक्षी भवन, वहाँ पर अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता, तो वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ का दिखाते हैं आपको फूड कैसा सा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं और हमारा जो डोसा है वो भी आ चुका है। और ट्रेडिशनली इसको सर्व किया गया है बनाना लीफ के ऊपर, और कुछ ऐसी सी इसकी प्रेजेंटेशन ही देखिए। सो देखने में काफ़ी क्रिस्पी है, और मम्मी ने खाना शुरू भी कर लिया है, तो सबसे पहले मम्मी से रिव्यू लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, डोसा के साथ हमें सर्व हुआ है सांभर, कोकोनट चटनी, ये टैमरन चटनी है, और ये साथ में हुई है मैंगो चटनी। सो टुडे वी आर ईटिंग घी रोस्ट डोसा। इसके साथ मिली हमें कोकोनट चटनी, टैमरन चटनी एंड मैंगो चटनी, और साथ में सांभर। तो पहले हम जाने वाले थे मीनाक्षी भवन, तो मीनाक्षी भवन क्लोज था। तो अभी रेलवे स्टेशन के जस्ट राइट हैंड पे ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आए हैं। तो ये भी अच्छा है, आप यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन से आप राइट हैंड जाएंगे तो पहला रेस्टोरेंट भी आपको ये मिलेगा, तो आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं मदुरई की सबसे ओल्डेस्ट स्वीट शॉप पे, जिसका नाम है SVT स्वीट्स। और यहाँ पे आपको जो है ऑथेंटिक तमिल जो स्वीट्स है वो खाने को मिलेगी। सो ये जो अभी हमने स्वीट जो मंगवाई है, इसका नाम है अदिया रसम। तो अभी मम्मी टेस्ट करेगी, मम्मी ही इसका रिव्यू देंगी कि कैसा सा है टेस्ट में। एंड इट्स लुक लाइक डोनट, बट ये डोनट नहीं है। अच्छा, सेम जैसे हमारे होते हैं क्या? कैसा है? स्वीट है, सॉल्टी है, मूंग का स्वाद है, चावल है, इलायची भी डाली हुई है, अच्छा स्वाद है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अदिया रसम जो स्वीट है इसको बनाया जाता है ट्रेडिशनली राइस फ्लावर और जैगरी के साथ। और यहाँ पे जो आप पीछे आंटी देख रहे हैं, ये इसको गर्मा गर्म अभी बना रहे हैं, और आप भीड़ तो देख ही रहे हैं। और ये साथ के साथ सेल हो जाता है यहाँ इवनिंग में, लोगों को इवनिंग स्नैक में ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाने में जैसे कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से उतना ही ये सॉफ्ट है। और यहीं से थोड़ा आगे जाके हमें मिली स्पाइस मार्केट। तो यहाँ ये जो है पूरा रो जो है वो स्पाइस मार्केट का ही, यहाँ पे आपको जितने भी तमिलनाडु के जो स्पाइसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको कुछ ऐसे यूनिक भी मिलेंगे जो कि हमारे नॉर्थ में नहीं मिलते हैं स्पाइसेस, तो वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको स्पाइस मार्केट देखेगी, और बहुत ही अच्छी आपको जो स्पाइसेस की जो है खुशबू सूंघने को मिलेगी। और यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ काफ़ी ज़्यादा जो स्पाइसेस का जो यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ रेड मिर्ची देख रहे हैं, रेड चिली देख रहे हैं। सो यहाँ के लोग काफ़ी तीखा खाना पसंद करते हैं। सो ये इसलिए आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, और लोग यहाँ पे आपको इवनिंग में परचेजिंग करते हुए भी दिखेंगे। और यहाँ पर कुछ एक अलग सा ये देखने को मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या है। किस चीज के लिए? ये खाने के लिए उसका, ये पूरी का। सो चलिए कुछ आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि कुछ अगर यहाँ से ले जाने लायक अगर कुछ मिलता है तो शॉपिंग करके जाएंगे। सो यहाँ हमें कुछ दूरी पे हमें मिला टैमरन, इसमें बीज नहीं है, हमारे यहाँ बीज वाली मिलती है, इसमें बीज नहीं है। हाफ के जी 70 रुपये की, अच्छी है, नरम है। सो अभी आगे चलते हुए हमें रोड पे ऐसा सा कुछ देखने को मिला, ये कुछ स्टोन से हैं जो कि इन्होंने जलाए हैं, तो देखते हैं क्या है ये। हर एक किस्म से पत्थर है, नहीं
अलग खुशबू है उसकी। सो पूछने के बाद पता चला कि ये जो है स्टोन, इसको यूज़ किया जाता है घर में फ्रेगनेंस और मच्छर भगाने के लिए। जो सामने आप येलो कलर का देख रहे हैं ना, ये हल्दी चंदन है, और एक तो कोई तो फूल उन्होंने बताया था उसको पीस के ये जो पेस्ट है बनाया जाता है, और इसे नहाने के टाइम पर यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स भी मिल जाएगी बर्तन वाली, तो यहाँ अगर आपको चाहिए तो डोसा तवा ले सकते हैं, यहाँ पे डोसा तवा बहुत ही अच्छा मिलता है। सो ये सामने यहीं से देखिए आपको मंदिर का जो है एक द्वार देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप मंदिर के सराउंडिंग में ही ये सब जो मार्केट है आपको मिल जाती है मदुरई में शॉपिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, फिर से हम पहुंच चुके हैं कुछ यूनिक ट्राई करने के लिए। सो अभी ये जो सामने जो बनाया जा रहा है ना, इसको कहते हैं कीरा वड़ाई, जो कि एक मिक्सचर होता है राइस फ्लावर, स्पेनिच और एक तो कोई और प्लांट उन्होंने कहा था, इस सबको मिक्स करके इसको बनाया जाता है। ये काफ़ी क्रिस्पी होता है। सो ये अलग से हमें यूनिक सा टेस्ट खाने को मिला है, तो अगर आप मदुरई आ रहे हैं तो इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा एक बार। सो अभी हम पहुंच गए एक पाइनएप्पल की शॉप में, जहाँ पे एक अंकल जो है पाइनएप्पल काट के दे रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल रहा है पाइनएप्पल सिर्फ 50 रुपीज़ में। सो सोचा हम भी इसको क्यों ना कट करके लेके जाएँ, क्योंकि हमें अभी रात को निकलना है, तो मॉर्निंग में हम इसका ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये जो है कटिंग करके दे रहे हैं, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पका हुआ एकदम से। और यहीं पे कुछ और फ्रूट जो है देखने को मिल रहे हैं। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने जर्नी के लिए ऑलरेडी परचेस कर ली है, वो भी आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या लिया है। सो काफ़ी सस्ता हमें यहाँ पे पाइनएप्पल मिला है, नॉर्थ में इतना सस्ता नहीं मिलता, अराउंड वहाँ पे 150 रुपये तक का अगर आपको है पाइनएप्पल मिलेगा। सो यहाँ हमें 50 रुपीज़ में ये एक जो पाइनएप्पल है छिलके एकदम मिल चुका है। सो यहाँ पर आपको दिखाते हमने क्या क्या लिया है। सो यहाँ लिया है, ये है पाइनएप्पल, और इसी के साथ हमने लिया अनियन भील बनाने के लिए, और यहाँ पे लिया हमने रॉ मैंगो, जो कि यहाँ का काफ़ी मीठा रहता है रॉ मैंगो भी। सो चलो मम्मी ओपन करो। सो आज हमने सब मंगवाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ इंडियन खा के हम लोग काफ़ी बोर हो चुके हैं। सो मम्मी लोगों ने तो खा लिया, बट मैंने अपने लिए सब मंगवाया है, तो देखते हैं सब में आज क्या क्या आया है। आज इसमें है नाचोस, जो कि आज मुझे डील में मिला था। सो डील में नाचोस मुझे 1 रुपये में मिले हैं, और इसी नाचोस के साथ मंगवाया है मैंने सैलड। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस है सब में या नहीं, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इनके सब आउटलेट में सेम ही रहता है। सो दिस इज पनीर सैलड एंड नाचोस। सो मम्मी नाचोस खाओ। सो ये नाचोस आए हैं हमारे, एंड ये सैलड। यम्मी, अच्छा है ये, लगा लो फ्री ही आया है, मतलब ये 1 रुपये का पड़ा मुझे आज, कुछ डील थी तो ये वेजी नाचोस मिले हैं मुझे 1 रुपये के इसके साथ। सो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मदुरई रेलवे स्टेशन, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यहाँ पे है रेलवे स्टेशन, बिल्कुल टेंपल के एकदम 1 किलोमीटर में ही आपको मिल जाता है। सो आपको ऑटो या कुछ और कन्वेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बाय वॉकिंग आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमारी रात 1 बजे की ट्रेन है। सो अभी हुए हैं 12:30, तो हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, और यहाँ बाहर से मैं आपको इसका थोड़ा सा जो है व्यू दिखा देती हूँ, कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको नहीं दिखाया, क्योंकि हमने बस जल्दी जल्दी में यहाँ से निकले डे में, और काफ़ी धूप था तो इसलिए नहीं दिखा पाई। और हमने यहाँ से कैब बुक की थी रामेश्वरम के लिए, जो कि आप मेरे रामेश्वरम वाले ब्लॉग में देख सकते हैं। तो चलिए आपको अंदर चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रेन है वो टाइम पर है या नहीं, और टाइम पर है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है। सो हम बाय वॉक आए हैं, क्योंकि यहाँ से नज़दीक ही था हमारा होटल,
जस्ट 500 मीटर में रहेगा, तो थोड़ा जूम करके यहाँ पे देख लेते हैं। सो हमारी जो मदुरई निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस है वो लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो चलिए यहाँ स्टेज से हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा आगे जाके स्टेयर्स हैं, वहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे आपको लिफ्ट वगैरह नहीं रहती हैं, तो आपको खुद से ही जो सामान है वो उठा के ऊपर जाना पड़ता है। तो यहीं से अभी हम ऊपर जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि आने के टाइम पे भी हम यहीं से आए थे जब आए थे मदुरई। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मदुरई जंक्शन, जो कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमें देखने को मिल रहा है। सो ये है हमारी ट्रेन जो कि हमें लेके जाएगी मदुरई टू निज़ामुद्दीन, क्योंकि हमें जो डायरेक्ट ट्रेन है वो चंडीगढ़ तक की नहीं मिली, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम निज़ामुद्दीन तक जाएंगे, देन वहाँ से हम लोग ट्रेन या तो फिर देन एसी बस जो वॉल्वो चलता है उसमें जाएंगे। सो चलिए अंदर से आपको जो ट्रेन का जो है व्यू दिखाती हूँ। सो आने के टाइम पे जो ट्रेन थी उसकी कंडीशन इतनी सही नहीं थी, जबकि हमने जो है सेकेंड एसी किया था, बट अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा सा न्यू ट्रेन मुझे लग रही है और काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है और लोग सेटल डाउन हो चुके हैं ऑलरेडी। सो लोग टाइम से पहुँच चुके हैं और ये देखिए, सो ये हमारी सीट है। सो जहाँ पे पापा लेटे हैं यहाँ की 2 सीट हमारी है, और जहाँ मम्मी बैठी है वहाँ की 1 सीट हमारी है। सो फाइनली हमारी जो मदुरई और रामेश्वरम की जो जर्नी है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद है लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के लिए।